इस्पात नगरी के सेक्टर 7 में सार्वजनिक दुर्गोत्सव समिति के तत्वावधान में भव्यता से नवरात्र पर्व मनाया जा रहा है। माता दुर्गा की स्थापना यहां भव्यता से की गई है। वहीं अयोध्या के श्रीराम मंदिर का स्वरूप पंडाल को यहां दिया गया है। प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु माता के दर्शन कर आशीर्वाद ग्रहण करने यहाँ पहुँच रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ भव्य झांकी जो चलचित्र के रूप में दीवारों पर सुसज्जित की गई है, इसे देखने भी काफी संख्या में लोग पहुँच रहे हैं। समिति के अध्यक्ष ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बीते लगभग 62 वर्षों से नवरात्र पर भव्य आयोजन किए जाते हैं, साथ ही शहरवासियों से ज्यादा पहुंचने की अपील भी की। देखिए, ये राम मंदिर इस बार जो बनाया गया है, ये 62वां वर्ष है हमारा, और हमारी समिति हर बार एक नया नया कॉन्सेप्ट में झांकी बनाती है। हमने पिछले बार जय छत्तीसगढ़ बनाया था, उसके पहले जंगल सफारी बनाया, कभी पंजाब बनाया, केरल बनाया, गुजरात बनाया। इस बार हम लोग ने राम मंदिर बना रहे हैं, क्योंकि इस बार राम मंदिर का ओपनिंग होने वाला है जनवरी महीने में, इसीलिए हम लोग राम मंदिर बना रहे हैं, क्योंकि सब लोग की आकांक्षा इच्छा है राम मंदिर का स्वरूप देखने का, तो हम लोग भिलाई में भी लोगों को दिखाना चाहते हैं। इस पंडाल के अंदर रोज़ सनातनी गरबा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें यहाँ के कई महिलाएँ और युवाएँ सब हिस्सा ले रहे हैं। इसके साथ ही लगातार कल्चरल कार्यक्रम है, और जिसमें छत्तीसगढ़ी जसगी, छत्तीसगढ़ी नाचा और छत्तीसगढ़ी लोक कला के ऊपर ही सारा हमारा कल्चरल प्रोग्राम है। देखिए, लोकतंत्र में सबसे पहला चीज़ है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतदान करें, और हम लोग इस चीज़ को चाहते हैं कि भिलाई की जनता जो है पढ़ी लिखी जनता है, और वो मतदान करें। घर से निकल के जितना ज़्यादा प्रतिशत में मतदान होगा, उतना ही जागरूक प्रत्याशी हमारे जीतेंगे। और हम लोग तो खैर भारतीय जनता पार्टी से, तो हम लोग यही चाहते हैं कि मोदी जी का जो सपना है वो पूरा। नहीं, राम मंदिर तो हमारी आस्था का प्रतीक है, और उसके साथ कोई राजनीति नहीं है। राम मंदिर चूँकि जनवरी में उद्घाटन होने ही वाला है, तो कई ऐसे लोग हैं जो वहाँ तक जा नहीं सकते, उनको भी एक अवसर हम लोग दे रहे हैं, जिससे कि वो आके यहाँ पर दर्शन कर सकें। ग्रैंड एशियन न्यूज़ तो बहुत अच्छा चैनल है, और वो लगातार लोगों को एकदम तत्कालिक समाचार देता है, जिसके लिए मैं ग्रैंड एशियन न्यूज़ को धन्यवाद देता हूँ कि उनके चलते हम लोग सबको पूरे भिलाई, छत्तीसगढ़ देश का जो तत्कालिक घटना है वो पता चलती है।